हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर वीर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगा आपको कल हमने क्या काम किया था, और ये जो देख पा रहे हैं आप इंटे, इनके बारे में बताऊंगा ये कैसी इंटे हैं और कहाँ से आई है। बने रहिए व्लॉग में, आपको सब कुछ दिखाऊँगा। दोस्तों, कल हमने ये दीवार की थी, ये 9 इंच की दीवार है, ये 50 फुट लंबी है, और ये मकान बनेगा पूरा इधर तो, और उधर एरिया खुला रहेगा। और ये इसका कुर्सी का लेवल है, आप आगे देख पा रहे हैं, इस पर DPC डलेगी और फिर इसका भरा होगा, उसके ऊपर चिनाई होगी। ये देखिए दोस्तों, ये चिनाई की थी कल हमने, ये वाली यहाँ से पैड से ऊपर, और ये की थी, ये रद्दे लगाए थे आगे आगे के जो आप देख पा रहे हैं, ये किया था, और ये कॉलम भरे थे। एक कॉलम ये है, एक कोने वाला है, और 2 कॉलम वे है जहाँ पर सीढ़ी लगी हुई है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ईंटों की। आप ये ईंट देख पा रहे हैं दोस्तों, इनका कलर देखिए और इनका देखिए, ये जो ईंट है बिल्कुल बेकार है। अब्बल के नाम पे ये 2 M ईंट भेज दिए, ये पूरी 9000 ईंट है दोस्तों। आप उन ईंट को देख सकते हैं जो दीवार में लगी हुई है, और इन ईंट को देखिए कितना बेवकूफ़ बनाते हैं ये भट्टे वाले। अब्बल के नाम पर 2 M भेज दिए हैं, और ये ईंट भी यहाँ से नहीं आई थी, ये पूरे ट्रक में आई थी 9000 ईंटें एक साथ, और ये मेरठ से आई थी दोस्तों। अब आप देखिए मेरठ कितनी दूर है, और यहाँ मुजफ्फरनगर है, करीब 55 किलोमीटर, 50-55 किलोमीटर दूर है वहाँ से जहाँ से ईंट आई थी। अगर भट्टे वाला ऐसे नहीं करेगा तो उनको क्या बचत होगी। दोस्तों, अगर आप भी मकान बना रहे हैं तो ईंटों का आपको खास ध्यान रखना होगा। ईंट आप चिनाई में, ईंट आप मकान में अव्वल दर्जे की लगवाए, और पहले जाके एक बार देख ले भट्टे में, चेक कर ले ईंट कैसी है, उसके बाद ही ईंट मंगाए। क्योंकि 2 रुपये के लालच में आप अपने घर का पूरा काम ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि मकान ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही बनता है, एक बार ही बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बार बार तो बनता नहीं है। और ये देख पा रहे हैं, ये 400 गज में है जो मकान बन रहा है, ये इधर पार्किंग एरिया है, और कल पिछली वीडियो में देखा था दोस्तों आपने, ये हमने टैंक के स्लेब बनाए थे, ये 3 स्लेब बनाए थे, 2-2 फिट के, 2x4 के हैं ये, और ये बीच में 1x1 का मेन होल है। और दोस्तों, ये टैंक है जिसपे रखे जाएंगे, ये देखिए। और अभी हमने इसमें पानी नहीं भरा है, पानी अभी 2 दिन बाद भरेंगे, क्योंकि अभी अच्छी तरीके से सेट नहीं हुआ है। जब पूरी तरह से अच्छी तरह सेट हो जाएगा फिर ये चेक किया जाएगा पानी भर के, कहीं टैंक लीकेज तो नहीं है। वैसे लीकेज नहीं होता है, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी टैंक बनाए हैं एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं से लीकेज हुआ हो। और दोस्तों, ये स्लेब है, ये इसके ऊपर रखे जाएंगे। और दोस्तों, देखते हैं आज काम शुरू होता है नहीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।